देवहितं जदायुः सत्मेन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा न शक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकृतायुर्गन्तो आदित्यदोरादितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्राः देवा आदिति पञ्च जन आदित्य जातमदित्य जन त्वं दोः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले वेणुङ्करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता हे मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता नमोऽस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय श्वासते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सभी भक्तजन अपने आसन से उठकर खड़े हो जाएं और ये विजय लक्ष्मी भागलक्ष्मी शशि रूप रेजिडेंसी के जितने भी श्रद्धा भक्तजन हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने गृह कार्य को अतिशीघ्र निवृत्त करके कथा पांडाल में आवें और भगवान की मंगलमय कथा के लिए सुव्यवस्थित समय से आकर के भगवान की मंगल कथा को श्रवण करके अच्छे पुण्य के भागी बने और अपने मानव जीवन को धन बनाएं। सभी लोग अपने आसन से उठकर खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमय आरती करते हैं। आरार्तिक्यम हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्रजायत श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणाय निधेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगल। आरती अति पावन पुरा आरती अति पावन पुरा धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती आरती
सकत है चरित गान की हरि ओम जगने न जगमय जंत देवस्तान धर्माण प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचंत यत्पूर्वे साध्या संत देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः सुगंधवल्ली सतपत्र जाते सुवर्ण चंपा बगलोद्भवानि गृहाण देवी समयार्पितानि प्रभु हरे श्री पुष्पांजलानि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमोमि वंदनोमि प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय सावरिया सेठ की जय सावरिया सेठ की जय भागवत महापुराण की जय अयोध्या धाम की जय अयोध्या नाथ भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांति का पर्दे बनाए रखें। इस कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले मुकेश भाई, अरविंद पांडे जी, नागेश तिवारी जी, रमेश पाठक जी, बजरंग भाई राठौर साहब, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यता के पात्र में हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयास से ऐसा कार्यक्रम सुलभ किया। शशि रूप भागलक्ष्मी विजयलक्ष्मी रेजिडेंसी में दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आज अनवरत कई दिनों से चल रहा है, जिसका आज षष्ठम दिवस है। आज षष्ठम दिवस में भगवान की मंगलमय विवाह
आदि का प्रसंग रहेगा, बड़ा मार्मिक कथा आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहेगी। अवध धाम से आए परम पूजनीय अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री रघुपत त्रिपाठी जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी मधुरमयी रसमयी संगीतमयी वाणी के द्वारा भगवान बाल कृष्ण लाल की मंगलमय कथा को श्रवण करके अक्षय पूर्ण के भागी बने और अपने जीवन को धन्य बनावे, क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै। भक्तों, जब जीव के जन्म जन्मांतर के कर्म कर्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं, तो भगवान की जब जीव पर कृपा दृष्टि बनती है, तो ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान, ऐसे संत विद्वानों के द्वारा भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। हम आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। आइए अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए इस दिव्य समय मकर संक्रांति का आज पर्व भी यहाँ मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। जो भगवत जन भगवत प्रेमी अपने गृह कार्य से अभी निवृत्त नहीं है, उनसे मैं निवेदन करूंगा वो अपने गृह कार्य को अतिशीघ्र निवृत्त करके कथा पांडाल में आवे और भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करके अच्छे पूर्ण के भागी बने और अपने जीवन को धन्य बनावे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राजे। पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करें। जय श्री राम। जय श्री राजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीवेदपुरुषाय नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थसिद्धये वागीशाद्याः सुमनसाः सर्वार्थानाम् उपक्रमी यं नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननम्।
वंदे त्वदीय सुर प्रार्थित पाद पद्मं हंसादि रूढ़ करलोचन काल कंजा शुभ्रांबरा सकल शास्त्र विचार दक्षा कांचै कृपा तव सदा भवदुक्करत्री देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतु खिलसि प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरसि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानि योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरास्वधाम्ना अन्यां सहस्तचरणश्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितमामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रीन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः जानकी जीवनं वंदे मांडवी प्राणवल्लभं उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि
पानी श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री सीता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा प्रणाले भक्तवान चाकल्प तरु भगवान नंद नंदन ब्रजेन नंदन मुरली अधर धर सौलभ्य परिपूर्ण गोपी कांत दामोदर भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण सती सीता अनसुईया पाला घोषा रुक्मिणी सत्यभामा उत्तरा वृंदा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा उपस्थित मंजुल बना माताएं बहने भगवान की परम पीयूष वर्षणी कथा सुधा रस का पान करने आए सम्मानित सुधीय श्रोताओं के अंतर आत्मा में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हुए मंचस्थ उपस्थित समस्त आचार विद्वज्जन आप सबको सादर नमन वंदन करते हुए इस पवित्र सत्संग संध्या का समारंभ करते हैं। ये दास आपसे नित्य निवेदन करता है जीव को ये भागवत की कथा कब मिलती है श्रवण करने के लिए तो बार बार आता है भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै। मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं और उसके जीवन से पाप की छटा हट जाती है तब उस जीव को ये भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए इस सम्मानित मंच की मर्यादा का पालन करने के लिए सब लोग स्वर में स्वर लगाकर थोड़ी देर भगवान नाम जप करते हैं उसके बाद भागवत कथा मंदाकिनी में फिर हम लोग गोता लगाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम Yeah.
किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रोताओं, कल आपके समक्ष ये निवेदन किया जा रहा था, परात्पर ब्रह्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी किस तरह से श्री गोपियों के बीच में रास क्रीड़ा करते हैं, इस पवित्र कथा का कल आप आनंद ले रहे थे। दास ने कल भी निवेदन किया और फिर कह दे रहा हूं, ये भागवत में जो रास पंचाध्यायी की कथा है, ये काम पर विजय प्राप्त करने के लिए है। इस संसार में जो बड़े बड़े संत हमारे हो गए, मनीषी संत विद्वान,
वो भागवत के रास पंचाध्यायी का नित्य पाठ करते हैं। जो रास पंचाध्यायी का भागवत के पाठ करे उस जीव को भागवत प्राप्ति होती है और उसको कभी हृदय का रोग नहीं होता है। भगवान अंशी है और ये जीव उनका अंश है। ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कैसे करे इसका एक सोपान है रास पंचाध्यायी। जीव अंश है और भगवान केंद्र है। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित जी को भागवत की पवित्र कथा गंगा के किनारे श्रवण करा रहे हैं। गोपियां युगल गीत गा करके भगवान का चिंतन और स्मरण करती हैं। परीक्षित जी एक बात ध्यान देना, जिंदगी में एक होता है संगम और एक होता है विरह, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। जो आनंद संयोग में नहीं है उससे कहीं ज्यादा आनंद वियोग में होता है, लेकिन वियोग जिसने जिंदगी में देखा हो, वियोग जिसने ईमानदारी से अपनी जिंदगी में सहा हो, वो वियोग की परिभाषा आपको बता भी सकता है। और जो प्रेम की परिभाषा है ये बताई नहीं जा सकती है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम का जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है, वो कहने लायक नहीं है। इस संसार में प्रेम शब्द ढाई अक्षर का है, लेकिन कोई आदमी जब आपके मुंह से प्रेम शब्द निकलेगा तो दोनों ओठ में ओठ जब तक मिलेगा नहीं तब तक प्रेम शब्द आप मुंह से बोल नहीं सकते। और कोई अगर झगड़ा बोल दे, ओठ में ओठ अगर मिला होगा तो छोड़ करके दूर खड़ा हो जाएगा। दोनों शब्दों में देखो कितनी ताकत है। जब हम प्रेम कहते हैं तो ओठ से ओठ मिल जाता है और जब झगड़ा कहते हैं तो ओठ भी ओठ को छोड़ देता है। यह संसार में जो गोपियां गोविंद से प्रेम करती हैं, जो जीवात्मा परमात्मा से प्रेम करता है महाराज, यह निष्काम प्रेम होना चाहिए। यह संसार निष्काम प्रेम नहीं करता। इस संसार में निष्काम प्रेम पुत्र से अगर होता है तो सिर्फ मां और बाप का होता है, बाकी ये संसार वाले निष्काम प्रेम नहीं कर सकते। कोई मां और कोई बाप अपने बेटे से कामना रख करके प्रेम नहीं करता है, निष्काम ही प्रेम करता है। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित जी, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं सिद्धा, ये साधन सिद्धा, ये भक्ति सिद्धा है महाराज। ये भगवान का परम मंगलमय स्मरण करती हुई भगवान भगवत तत्व को प्राप्त होती है। प्रेम संसार में जो होता है वो कई प्रकार का होता है। आप हमें चाहें, हम आपको चाहें, ये प्रेम है। अरे ये तो बदले का प्रेम है, इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है, बस साल दो साल। एक प्रेम और होता है, किसी बनिया की दुकान पर जाइए, बड़े ठाट से आपको बैठाएगा, बड़ी इज्जत करेगा और जब आप सामान ले लीजिए उसको पेमेंट कर दीजिए, दूसरा ग्राहक आ जाएगा तो वो बनिया कहेगा दादा जरा आप उधर बैठ जाइए, उसका प्रेम खत्म। बड़ी प्रेम है कि जब तक पैसा नहीं पाता है तब तक रहता है। एक प्रेम और होता है, शरीर से नहीं वो धन से होता है। जब तक धन रहेगा तब तक प्रेम करेंगे लोग, धन खत्म हो जाएगा तो भी लात मार कर खींच देंगे। एक प्रेम और होता है, मैं
महाराज मैं उनको मानता तो बहुत था, लेकिन जब से उन्होंने हमें गाली दे दी मैं नहीं जाता हूं। अब ये कौन सा प्रेम है, अपेक्षित अनपेक्षित, मैं नहीं बता सकता। इसके बाद एक प्रेम होता है, आप मुझे कभी न चाहें लेकिन मैं आपको बार बार चाहता रहूं, ये प्रेम जिंदगी में चल भी सकता है। और इसके ऊपर जो प्रेम है उसमें उसकी स्थिति यह है कि शरीर तो दो रहेगी लेकिन मन एक हो जाता है, यह तादात्म प्रेम है। ये गोपियां जो चिंतन गोविंद का करती है परीक्षित, वो तादात्म स्थिति में चिंतन करती है महाराज, प्रेम की अंतिम परिणति की जो पराकाष्ठा है। गोपियां गोविंद का चिंतन कर रही है। और इधर आइए, अब हम लोग चलते हैं मथुरा। मथुरा में आज कंस की कैबिनेट बैठी है, एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई और कंस ने उस मीटिंग में कहा कि कृष्ण को मारने के लिए मैंने कितने लोगों को भेजा। पूतना गई, त्रिणावर्त गया, सकटासुर गया, धेनुकासुर गया, अघासुर गया, बकासुर गया, केसी गया, लेकिन सब मर गए, कोई मार कर नहीं आया, सारे के सारे मर गए। और मुझे यह चिंता खाए जा रही है कि आखिर अब मेरा क्या होगा। मीटिंग में फैसला हुआ कि अक्रूर जी को मथुरा बुलाया जाए और अक्रूर जी को भेजा जाए गोकुल, वो जा करके नंद यशोदा के यहां से भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर के आवे मथुरा, और यहां आपके बड़े बड़े पहलवान हैं महाराज, कह दीजिए यही मार डालेंगे। और एक आपके पास जो धनुष रखा है शिव जी का दिया हुआ, एक धनुष यज्ञ करा दो और इसी बहाने वो उनको बुला भी लो और आ जाएंगे तो मारे भी जाएंगे। सारा कार्यक्रम बन करके तैयार हुआ, अक्रूर जी मथुरा बुलाएगा। शब्दों को बड़े गौर से सुनिए, भावों को। अक्रूरोपी चताम्रात्रि मधुपुर्या महामती। श्री अक्रूर जी महाराज मथुरा में आए और उनके जिम्मे जब भगवान कृष्ण को लाने का काम सौंप दिया गया तो रात में उनको क्या हुआ, रात में उनको नींद नहीं आ रही है। ध्यान देना शब्दों पर, रात भर अक्रूर जी सोए नहीं। क्यों नहीं सोए तो कहा मैंने जिंदगी में कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है कि मुझे भगवान को लाने का मौका मिला। और जब प्रातः काल हो गया, अक्रूर जी महाराज रथ पर बैठ करके मथुरा से गोकुल की तरफ चले, 12 किलोमीटर की दूरी। गच्छन् पति महाभागो भगवत अम्बुजे क्षणे भक्तिम परामुपगमत एवमेतद् चिंतयत्। श्री अक्रूर जी महाराज अपने मन में चिंतन करते हैं किं मया आचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपाः। ध्यान देना, एक भक्त की यहां पर सोच है। अक्रूर जी की आंखें भर गई, प्रेम से भर गई महाराज, करुणा से भर गई, भगवत कृपा से भर गई और कहते हैं मैंने जिंदगी में कौन सा अपने अच्छा काम किया था कि मया आचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः। मैंने जिंदगी में कौन सा ऐसा आचरण किया, कौन सी ऐसी तपस्या की है कि आज उस भगवान को, उस परात्पर ब्रह्म को लाने का मौका मिला मुझे, जिसको बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस वीतराग संत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं। फिर कहते हैं
आखिर ये सारा संसार इस सर्वशक्तिमान सत्ता परमात्मा की है। आपको पता है ईश्वर सुप्रीम पावर है। इस संसार की सबसे बड़ी ताकत जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान ने सृष्टि का की रचना की लेकिन पावर सारा अपने पास रखा। कैसे? शब्दों पर ध्यान दीजिए जरा। भगवान ने ये दुनिया में आवाज सबसे सुंदर आवाज किसको दी है जानते हो? दुनिया में सबसे सुंदर आवाज भगवान ने दिया कोयल को, तो उससे रूप छीन लिया। वो देखने में बड़ी कुरूप होती है, आवाज तो बड़ी सुंदर है, और रूप किसको दे दिया? रूप दे दिया मयूर को। मोर को देखो, बिना कपड़ा पहने अगर इस 84 लाख योनि में किसी की शरीर चमकती है तो केवल मयूर की चमकती है। बस रूप दे दिया मयूर को तो उससे इच्छा छीन लिया भगवान ने, और इच्छा भगवान ने दे दिया हम मनुष्यों को। हमारी इतनी इच्छाएं हैं कि हम कब्र में दफन हो जाएंगे लेकिन हमारी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। इच्छा दे दिया मनुष्यों को तो उनसे संतोष छीन लिया, और संतोष दे दिया संतों को तो उनसे संसार छीन लिया, और संसार दे दिया देवी देवताओं को चलाने के लिए तो उनसे मोक्ष छीन लिया। अर्थात इस दुनिया में सब न सब कुछ न कुछ के लिए परेशान हैं। आइए विषय पर आइए। श्री अक्रूर जी कहते हैं मम एतद् दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। मेरा जन्म भी इतने अच्छे खानदान में नहीं है, मैंने जिंदगी में किया क्या है, लेकिन हे अशरण शरणनाथ, हे भक्तवांछा कल्पतरु, हे नारायण, आपकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि आज मैं आपका दर्शन करूंगा ठाकुर। और सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी, अक्रूर जी पूरे दिन चले लेकिन गोकुल नहीं पहुंचे। क्यों? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी, रथीन गोकुलम प्राप्ता सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। हे राजेंद्र, सूर्य भगवान भास्कर अस्ताचल के तरफ जा रहे हैं, और अक्रूर जी महाराज जब रथ को संभाले उन घोड़ों के लगाम को तब तो गोकुल पहुंचे। वो तो मस्त रथ में पड़े हैं, घोड़े उड़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं। और जब गोकुल में उतरे श्री अक्रूर जी महाराज, उन्होंने क्या देखा? पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टा मल पाद रेणु। भगवान के छोटे छोटे पांव जो बने थे धूलि में ना, एक एक भगवान के चरण चिन्हों को देख करके अक्रूर जी महाराज लेट लेट करके प्रणाम करते हैं उन भगवान के श्री चरणों को। आ गई गोकुल, आ गई। और क्या देखा जब गोकुल आए नंद भवन के पास? कि वह पीतांबर और नीलांबर दोनों भाई पहने, वह किशोर श्यामल श्वेत श्रीनिकेत ब्रेदबुज श्याम सुंदर गौओं की सेवा कर रहे हैं। और जब अक्रूर जी को देखा अक्रूर जी ने भगवान को प्रणाम किया। पपात चरणोपांति दंडवद राम कृष्ण यो। और भगवान ने अक्रूर जी के हाथ में अपना हाथ पकड़ करके अक्रूर जी को लेकर के आए भवन में।
बड़े ढंग से उनका स्वागत सत्कार किया है महाराज। भागवत में तो यहां तक लिखा है कि अतिथि की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये कोई भगवान से सीख रही। ये तो इतने दयालु ईश्वर आपके समक्ष बैठे हैं ना कि प्रच्छाल्य विधिवत पादौ मधुपर। इन्होंने अक्रूर जी का भी पांव धोया, इन्होंने श्री सुदामा जी का भी पांव धोया। अक्रूर जी महाराज का स्वागत सत्कार किया। और हे भगवत भक्तों, आप लोग ये ध्यान रखना, कभी आपके दरवाजे पर घर में कोई संत विद्वान महाजन संत जन आपका अतिथि अभ्यागत कोई आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आ जाए तो उसका दिल से सम्मान करना, कभी मन से मन को दबाव में लाकर के सेवा मत करना। अक्रूर जी महाराज स्वागत से अभिभूत हो गए और उन्होंने गोविंद से कहा, अब मैं आराम करूंगा। जब लेट गई, अब ये भूल गए कि मैं करने क्या आया था। भगवान कृष्ण ने धीरे से मामा का हाल चाल पूछा तो अक्रूर जी ने सारी बात बताई और कहा कि मैं आपको लेने के लिए आया हूं। भगवान कृष्ण बलराम ने कहा, हम तो तैयार हैं, लेकिन ये बात जब नंद बाबा को पता लगी ना तो नंद बाबा सबसे पहले फफक करके रोए। और नंद बाबा ने अक्रूर से कहा, अक्रूर मैं अपनी आन बान जान सम्मान सब दे सकता हूं, लेकिन मुझसे मेरे गोविंद को अलग मत करो, मैं मर जाऊंगा। और ये बात जब यशोदा रानी को पता लगा तो एक मां का वात्सल्य उभर पड़ा परीक्षित। यशोदा रानी अक्रूर से आकर के लड़ गई, कहा तुम्हारा नाम अक्रूर है, नाम तो तुम्हारा अक्रूर है लेकिन हो तुम बड़े क्रूर, तुम्हारा नाम ही अक्रूर है लेकिन तुम बहुत क्रूर हो। सुन रहे हो अक्रूर, मेरा नाम यशोदा है, मैं अपना प्राण दे सकती हूं लेकिन अपने जीते जी अपने लाल को कहीं जाने नहीं दे सकती, मैं अपने लाल को नहीं दे सकती, मेरा प्राण लेना हो ले जाओ। मां का वात्सल्य उमड़ पड़ा पुत्र के प्रति और श्री कृष्ण को अपने पल्लू से उड़ा करके यशोदा रानी कहती है, नहीं ये संभव नहीं। भगवान ने अपनी मां को बहुत समझाया है और महारानी यशोदा के आंखों से गिरने लगा अविरल जल, प्रेम का आंसू। ये पानी अब बंद भी होने वाला नहीं है, वो रोने लगी और भगवान ने अपनी मां से कहा कि मैं दो दिन में आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। यशोदा रानी विक्षिप्ता अवस्था में पड़ी है और प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के रथ पर बैठ करके मथुरा की तरफ चल पड़े। परीक्षित जी ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई, वो सारी ब्रजमामाएं आकर के रास्ते में खड़ी हो गई भगवान का रास्ता रोक करके। और गोपियां क्या कर रही हैं, जरा भागवत जी का श्लोक देखना। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषं ब्रज स्त्रिया कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदूष्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवीति गोविंद दामोदर माधवीति।
गोपियां रोने लगी विस्तृत जिलज्जाम रुदूस्म सुस्वरम। उन्होंने लज्जा का परित्याग कर दिया ब्रजबाबाओं ने और सब लगी चिल्लाने, कहा आप मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो कन्हैया, हम कैसे रहेंगे। और ब्रह्मा जी को भी उल्टा सीधा करने लगी, अहो विधाता, अरे विधाता तुमको न तो दया है और न माया है तुमको, तुम एक बार संसार में मिलन कराते हो और दूसरे क्षण वियोग करा देते हो, ये प्रेम की परिणति की पराकाष्ठा बोल रहा हूं। मानस में आया है, मानस में जनकपुर की नारियों ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी की मूर्खता को हर लो प्रभु। गोस्वामी जी के शब्दों में देखना, ब्रजबामाएं कहती हैं, हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, हर कह दिया ये मूर्ख। महाराज जनक को सब कुछ छोड़कर के विवाह कर देना चाहिए, लेकिन ये विधाता भी ना, विधाता के भी मति काम नहीं करती है। संसार में एक बार मिलन करा देते हैं, दूसरे क्षण वियोग करा देते हैं। संयोज मैत्रिया प्रणयेन देहिना, भगवान ने गोपियों को समझाया है और चली गई मथुरा की तरफ। रास्ते में अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करते हैं तो भगवान जल के अंदर, जल के भीतर, जल के बाहर हर जगह उनको दिखाई देते हैं चारों तरफ। और हे भक्तों याद रखना, जो जो तुम सब करत हो प्रभु सब देखत माही, और सो सब लिख लिख धरत है या कहु भूलत नाही। ये मत मानना कि ये काम हम कर रहे हैं ईश्वर नहीं जान रहे हैं, वो सर्वात्मा सर्वदर्शना है, सब जानते हैं। वो अणु से लेकर परमाणु तक विराजमान है। आइए, भगवान जब मथुरा के सन्निकट पहुंचे परीक्षित, तो भगवान रथ से उतर पड़े और उन्होंने कहा, अक्रूर जी से कहा कि आप चलिए और हम लोग ऐसे मथुरा टहलते हुए आएंगे। भगवान कृष्ण बलराम मथुरा में प्रविष्ट हुए, दृश्य देखना जरा, ऐसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनी हैं और कृष्ण का नाम सुनते सुनते मथुरा की स्त्रियां व्याकुल थी कृष्ण को देखने के लिए। उधर से पीछे से गोप ग्वालों को लेकर नंद बाबा भी आ रहे हैं पैदल। और भगवान जब मथुरा की गलियों में प्रविष्ट हुए तो मथुरा की स्त्रियां सब क्या करती हैं, वो नगर की स्त्रियां हैं महाराज, चालाक हैं, सब पढ़ी लिखी हैं। स्त्रियों ने क्या किया जरा स्तोत्र देखना, भागवत जी का बड़ा सुंदर भाव है।
प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवरसन सौ मनसे प्रमदावल के सौ बलिहार है महाराज। प्रासाद शिखरारूढ़ा, ये महाराज मथुरा की स्त्रियां सब चढ़ गई छतों पर और अट्टालिकाओं पर छज्जों पर क्या कर रही, भगवान का मंगल में दर्शन कर रही। भगवान राम एक तरफ मिथिला में प्रवेश करते हैं, श्रीमद् रामचरितमानस की कथा आती है, तो मिथिला की स्त्रियां भगवान को देख रही है और ये भगवान द्वारिकाधीश भगवान जब मथुरा में प्रवेश करते हैं तो मथुरा की नारियां गोविंद को उसी दृष्टि से देख रही है। बड़ा सुंदर भाव है। प्रासाद शिखरारूढ़ा और गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है युवती भुवन जरूखनी रागी भुवन झरो खन लागी निरखहि राम रूप अनुराग। वो महाराज जनकपुर की स्त्रियां अट्टालिका पर खड़े चढ़ गए अट्टालिकाओं पर और भगवान राम लक्ष्मण को देख रही है, लेकिन दोनों के दृष्टि में भेद है, विभेद है, विभेद। क्या भेद है महाराज? कहा जनकपुर की स्त्रियां राम जी को यह देख सोचती है कि एक बार मेरे तरफ देख लेती राम जी, और राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम, जब राम और लक्ष्मण नहीं देखे किसी की तरफ पलट करके तो वे आपस में बात करना शुरू कर देती हैं, कहती है सखी यही दो दशरथ के भोटा भोटा। अब आप बताइए, आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, अचानक कोई व्यक्ति आपके बाप का नाम ले ले कि उनके, तो आदमी एक बार देख तो लेगा कि कौन है। महाराज चक्रवर्ती जी का नाम उन महिलाओं ने लिया, गोस्वामी जी कहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो पिताजी का नाम ले रही है, राम जी ने कहा लेकिन उधर देखना नहीं। लेकिन वो नगर की स्त्रियां महाराज जब नहीं देखी और आगे गए तो फिर कहते हैं, सुन रही हो का क्या? तो कहा ये जो आगे आगे जा रहे हैं ये कौशल्या के बेटे हैं, इनका नाम है राम, और जो पीछे पीछे जा रहे हैं लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता और सुनि सखितासु सुमित्रा माता। और ये जो छोटे छोटे गोरे गोरे पीछे उनके चल रहे ना, ये सुमित्रा के लड़के हैं। जब बाप के नाम से नहीं ताके तो मां का नाम लेंगे। लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, कोई निगाह नहीं उठा सकता। महाराज वो जनकपुर की स्त्रियां झल्ला गई। एक सखी ने कहा छोड़ो ये कोई राजकुमार उमार नहीं है, ये राजा वाजा के लड़के नहीं। कहा प्यो क्यों? कहा ये दोनों चौकीदार हैं। कहा कम से कम उल्टा बोलेंगे तो देखेंगे, ये दोनों चौकीदार है। कहा किसके? तो कहा मुनि कवसिक मख के रखवारे। अरे विश्वामित्र जी के साथ उनके जगो की रक्षा करते हैं। जब प्रेम की परिणति प्रस्फुटन में आ गई तो भगवान राम जनकपुर के अंतःपुर में प्रवेश कर गए थे। ये हर सही बर सही सुमन
सुमुख सुलोचन बृंद और जाहि जहा जहा बंधु दो ताहा ताहा परमानंद। और ये मथुरा की स्त्रियां क्या करती हैं, प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा अप्यवरसन सौमनस्सी प्रमदाबलकेशौ। अप्यवरसन माने ये वर्षा कर रही है, किसकी तो कहा सौमनस्से पुष्पों की वर्षा कर रही है, अपने मनों को अपने मन को भगवान में लगा रही है। दही अच्छा चंदन भगवान पर बारिश हो रही है। भगवान ने कहा मथुरा में आए लेकिन शगुन अच्छा है, चलो चलो। भगवान कृष्ण बलराम आगे गए, इतने में कंस के दरबार का एक धोबी मिल गया। वो कपड़ा उपड़ा बढ़िया रंग करके ले जा रहा था प्रेस करके, तो भगवान ने बड़े प्यार से कहा मामा इसमें से कपड़ा हमको दे देते, हम भी पहन करके चले जाते राजाओं की तरह मामा के यहाँ, मामा हमारे राजा है। वो बेचारा वो रजक वो जो धोबी था वो बहुत उल्टा बोला गोविंद से, कहा ये कपड़े गाय भैंस चराने वालों के लिए नहीं है, ये राजाओं के कपड़े। परीक्षित जी भगवान ने एक चांटा मारा उसे, उसके प्राण निकल गए, जितने धोबी थे सब कपड़ा छोड़कर भाग गए। भगवान कृष्ण बलराम भी पहने और सारे गोप ग्वाल भी पहने। कहा महाराज आखिर ये कौन सा न्याय है, अगर उसने कपड़ा नहीं दिया तो मार क्यों दिया। हाँ ये सही है, लेकिन भगवान भक्तों से बदला जन्म जन्मांतर का लेते हैं जीव से। ये रामा अवतार का वही धोबी था जिसने सीता पर उंगली उठाई थी, तब तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मौका नहीं मिला, लेकिन आज जब फिर अपमान किया तो फिर उसका अंत ही कर दिया। आइए विशेषता, भगवान कपड़ा भी पहन लिए, एक माली मिला उसने माला पहना दिया ठाकुर जी को, दर्जी मिला उसने कपड़ा इनके लायक बना दिया, अब ये थोड़ा देखने में अच्छे लगने लगे। और जब कंस के दरबार की तरफ मुड़े तो देखा कि एक बुढ़िया बेचारी, वो तीन जगह से उसके शरीर में कोबर निकला है, तीन जगह से टेढ़ी है वो, और हाथ में चंदन लिए लाठी लिए जा रही थी। तो भगवान ने जानते हो क्या मजाक किया, जरा तुम देखना भागवत जी का। भगवान उससे कहते हैं बिलो के कुबजा युवती मराना पप्रक्षयान्ति प्रहसन रसप्रद। प्रहसन माने मजाक में भगवान ने कहा कि अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो। वो बेचारी चौंक गई कि मेरे तीन तीन जगह कुंवर निकला है शरीर में, हमें कोई देखना नहीं चाहता,